गुड मॉर्निंग। MBS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के 12वें पेपर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम विचारधाराओं के अपने इस पेपर में एक ठीक ठाक स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर चर्चा हमारी जारी है। कल हमने अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद की उपयोगिता क्या है या इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। उससे पहले एक बिंदु कल आपका छूट गया था, मैं पहले उसे समाप्त करूंगा और फिर इसकी उपयोगिता या प्रासंगिकता पर आऊँगा। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इस विषय में कुछ बताने का प्रयास करूँ। आखिरी बिंदु जो कल छूट गया था वो ये था कि यदि हमें अंतर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है तो हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ज़्यादा प्रभावी और शक्तिशाली बनाना होगा। अब राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते इस बात को आप यूँ समझिए कि संगठन शक्तिशाली या ताकतवर कब होते हैं? अपनी क्षमताओं की वजह से नहीं, बल्कि अपनी स्वीकृति की वजह से, कि दुनिया में कितनी बड़ी आबादी, कितने देश, कितनी सरकारें उनका समर्थन करते हैं, उनके विचारों में यकीन रखते हैं और उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, इसके अलावा दुनिया के जो अन्य क्षेत्रीय संगठन हैं, हम SAARC की बात भी कर सकते हैं। आप देखें तो यूरोपीय यूनियन भी एक क्षेत्रीय संगठन है, जितना प्रभावी हो पाया उतना SAARC नहीं हो पाया। क्यों? वजह वही है, आपसी तालमेल और समर्थन का या विश्वास का अभाव। अब यदि अंतर्राष्ट्रीयतावाद को वाकई ताकतवर करना है तो इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके नियम, कायदे, कानून जो बनाए जाएं उन पर देश विश्वास करें और उन पर चलें, उन्हें फॉलो करें। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अनेक बार ऐसा होता है कि आपका संविधान, राष्ट्रीय कानून, नेतृत्व की प्रकृति, ये बीच में आ जाती हैं और फिर तवज्जो दी जाती है अपने राष्ट्रीय कानून को, अपने देश के नेतृत्व को और अन्य चीज़ों। अभी आप देख सकते हैं इसका नवीनतम उदाहरण जो अफगानिस्तान में घट रहा है। जितना मैं समझता हूँ कि अमेरिकी फौजों के वहाँ से लौटने के बाद जो भी हो रहा है उसको आप लेजिटिमेट या वैधानिक नहीं कह सकते। बंदूकों के शासन पर या दम पर या शक्ति पर यदि आप हुकूमत हथिया भी लेते हैं तो शक्ति तो होगी लेकिन आपके पास वैधता, लेजिटिमेसी नहीं होगी कि दूसरे देशों के नागरिकों को वहाँ से निकलने के लिए बंदूकों के साय से गुजरना पड़ रहा है, भय है, उनके अपने देश के नागरिक परेशान हैं, भयाक्रांत हैं, इसको आप लेजिटिमेट नहीं कह सकते। तो ये एक बड़ा ज़रूरी बिंदु है अंतर्राष्ट्रीयतावाद के विकास में कि जो सामान्य नियम, कायदे, कानून निर्मित किए जाएं उनको देश फॉलो करें। अब आज बात करते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद की प्रासंगिकता क्या है। भाई अगर ये यूजलेस है, अनुपयोगी है तो छोड़िए, क्यों पीछे पड़ते हैं? लेकिन आज दुनिया भर के विद्वान, विचारक यदि इस दिशा में लगे हुए हैं तो कोई तो वजह रही होगी या है। अब उन पर किस तरह से एकाग्र किया जाए ये ज़रूरी है। तो आज हम बात इसके 11 की देखते हैं। पहला बिंदु है ये विश्व शांति के लिए आवश्यक है।
ये पहला बिंदु है, बल्कि यदि मैं कहूंगी ये पहला और आखिरी बिंदु है तो भी गलत नहीं होगा। विश्व शांति कौन नहीं चाहता? जब तक शांति नहीं होगी व्यवस्था नहीं हो सकती, आप विकास नहीं कर सकते। आप राज्य की उत्पत्ति के जितने नियम सिद्धांत को उठाकर देखेंगे, सब में शांति कॉमन चीज़ है, सामान्य चीज़ है, और वो तभी आ पाएगी जब आप कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ व्यवस्थाओं को स्वीकार करेंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीयतावाद के माध्यम से संभव है। अगला बिंदु, साम्राज्यवाद व नव साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण। आप औद्योगिक क्रांति के बाद से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध तक के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि कच्चे माल के स्रोत, तैयार माल को खपाने के रूप में बाजार और आर्थिक शोषण, यही उपनिवेशवाद की मूल व्याख्या रही है। कहीं सामाजिक विस्तार के रूप में, कहीं सभ्यता के विस्तार के रूप में, कहीं किसी और बहाने से, दुनिया के देशों ने किया है, विकसित देशों ने किया है, जिनके यहाँ औद्योगिक क्रांतियाँ पहले हुई उन्होंने रास्ते अख्तियार किए। लेकिन बाद में जाकर जब यही रास्ते युद्ध के बिंदु पर आकर मुड़ गए, आप देखिए दोनों विश्व युद्ध, पहला और दूसरा, ये तो बड़े युद्ध थे इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी अधिकांश युद्ध जो यूरोपीय ताकतों के बीच में हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि में साम्राज्यवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा है। और इस साम्राज्यवाद को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, क्योंकि जिस पर सबकी सहमति बनेगी उस पर फिर उन नियम कायदों पर चलने के लिए ये बड़ी ताकतें भी मजबूर होंगी, क्योंकि जनमत की उपेक्षा आप नहीं कर सकते। अगला बिंदु, सांस्कृतिक टकराव का समापन। अब देखिए दुनिया में अनेक सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनमें पारस्परिक तालमेल भी हैं, टकराव भी हैं, दोनों बातें हैं। जैसे आप देखिए जब 9-11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर्स उड़ाए गए थे एक आतंकवादी संगठन के द्वारा, तो उसके बाद दुनिया भर के अंदर एक ऐसी लहर सी वैचारिक रूप से चल गई कि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, और इसके मामले में विचार बिंदु भी प्रस्तुत किए गए और कई सैनिक कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि इसके स्थान पर यदि समायोजन की कोशिश की जाती, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन पर एकाग्र किया जाता, कॉन्सेंट्रेट किया जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। वो तब हो पाएगा जब आप साम्राज्यवाद के स्थान पर इस अंतर्राष्ट्रीयतावाद को बढ़ावा देंगे, समर्थन देंगे। दूसरे देश की सभ्यताएं, संस्कृतियां हमें आकर्षित तो करती हैं, लेकिन मनुष्य के दिमाग में, मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह भी होते हैं। जब तक ये देश तस्दीक नहीं आएगी तब तक वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते, और जब समझ जाएंगे तो उसके बाद टकराव की संभावनाएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय सहमति को महत्व, इंटरनेशनल सैंक्शंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की तारीख में, कि सन 1991 में जब सोवियत संघ का पराभव हुआ तो ये एक नई परिकल्पना सामने आई कि विश्व अब एक ध्रुवीय हो गया है, एक ही ध्रुव शेष रहा है और वो है अमेरिका और उसके समर्थक। कुछ बरस बीते, अब वर्तमान विश्व को आप कहते हैं बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर, शक्ति के बहुत से केंद्र हैं, शक्ति की परिभाषाएं बदली हैं। इवन आप देखें अभी जो ये COVID-19 का दौर चल रहा है, इसमें एक फार्मास्यूटिकल पावर के रूप में भारत उभर कर सामने आया है। हमने जो अपने वैक्सीन विकसित किए हैं और जिस तरह से देश पर लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय देशों को इसकी सहायता दी है, भारत एक ताकत के रूप में उभरा है। तो शक्ति की परिभाषाएं, व्याख्याएं बदली हैं। अब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, इस विश्व में, बहुध्रुवीय विश्व में जो सहमति है वो बहुत आवश्यक है, कि अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं,
उन पर देशों के बीच में एक आम सहमति बने, भले मिनिमम पॉइंट्स पर हो, पर शुरुआत तो हो। और कई चीजें ऐसी भी हैं जो युद्ध और शांति से अलग हैं, व्यापार, संसाधनों का शोषण, पर्यावरण संरक्षण, लोकतंत्र, मानवाधिकार, बच्चों के अधिकार, मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, कैदियों के अधिकार, एक बहुत लंबी सूची है जिन पर सहमति आवश्यक है। और ये तभी हो पाएगी जब अंतर्राष्ट्रीयतावाद को प्रोत्साहन मिले या इसकी प्रासंगिकता को अनुभव किया जाए, महसूस किया जाए। अगला बिंदु, सामान्य मानव अधिकारों का संरक्षण। अब यहां आप देखिएगा, अपराध हर देश में होते हैं, दंड के प्रावधान हर देश में हैं, उनकी प्रक्रिया हर देश में है, पर उनमें कुछ अंतर हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हैं, कुछ चेंजेस हैं। अभी आप देख रहे होंगे भारत से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जो रुपए पैसे का गबन कर बाहर भागे हुए हैं, और कोई नई चीज़ नहीं है। अपराधी का किसी दूसरे देश में भागकर चले जाना या शरण ले लेना और वापस न आना, इसके मार्ग में एक ही बाधा है कि उन दोनों देशों के संबंध कैसे हैं। हो सकता है आप अपने अपराधी को वापस लाना चाहें, लेकिन उस देश के जो कायदे कानून हैं वो सहमत ना हो इस चीज़ से। ऐसे 85 उदाहरण मिल जाएंगे आपको आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, भारत की विषय बात कर रहा हूँ मैं। अब ये जो तनातनी है, ये आपको मालूम है कि आपके देश के अपराधी हैं जो क्रिमिनल्स हैं, वो उस देश में शरण लिए हुए हैं और वो देश उन्हें वापस नहीं कर रहा, तो इस मुद्दे पर यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि उस देश से आपके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। वो तभी हो पाएंगे जब एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाए, एक सामान्य आचार संहिता बने जिसके तहत दुनिया के देशों के जो ये आपराधिक संस्कृति के लोग हैं या अन्य प्रवृत्तियां हैं, मसलन आप एग्जांपल लीजिए, एक टर्म आपने सुनी होगी नॉन प्लेइंग एक्टर्स, जो राज्य नहीं है लेकिन संगठन है, मसलन आतंकवादी संगठन। आज तक किस देश ने माना है कि वो उनके देश के हैं, पर वो दुनिया की शांति के लिए खतरा बने हुए हैं। अब उनके निवारण के लिए या उनके समापन के लिए जब तक एक कोर ग्रुप नहीं बनता, सामूहिक प्रयास नहीं होता, संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद ऐसे मामलों में एक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। अगला बिंदु, पर्यावरण संरक्षण। ये मैंने आपसे पहले बात की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये राष्ट्रीय समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। जैसे आप पढ़ते होंगे, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और उसका मुख्य कारण विकसित देश हैं, उनका औद्योगिक प्रदूषण है और उनके द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण है। 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न होता है एक परमाणु टेस्ट से, जो आज दर्जनों हो चुके अपने परमाणु क्षमताओं के विकास को जांचने के लिए विभिन्न देश करते हैं, आज भी कर रहे हैं। कोई धरती के नीचे कर रहा है, कोई रेगिस्तान में कर रहा है, लेकिन विज्ञान का एक नियम आपने सुना पड़ा होगा, पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। तो जो तापमान आपने खड़ा कर दिया लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का, वो कहाँ जा रहा है? वो शून्य में नहीं जा रहा, वो विद्यमान है। समुद्र में जो गंदगियाँ फैल रही हैं, जिससे मछलियाँ मर रही हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, वो केवल एक देश का जिम्मा नहीं है। आखिर कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए जो सम्मेलन होते हैं या नए नियम कायदे कानून बनते हैं, आप देखिए उसमें विकासशील और विकसित देशों में तलवारें खिंच जाती हैं। अब इन समस्याओं के समाधान तभी संभव हैं जब अंतर्राष्ट्रीयतावाद को विशिष्ट स्थान दिया जाए, और ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। और अंतिम बिंदु, उत्तर दक्षिण संवाद का प्रबल माध्यम, यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो बातचीतें होती हैं, संवाद होते हैं, व्यापार को लेकर, रक्षा को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर या अन्य मुद्दों पर, उन सब के लिए
ये जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है या इंटरनेशनलिज्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसाधन, आवश्यकता, उत्पादन, व्यापार और बाजार, इन सबके बीच में एक तालमेल बैठाना आसान काम नहीं है। विकसित राष्ट्रों की समान प्रवृत्ति यह रही है कि विकासशील देशों को, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दबा कर रखा जाए, लेकिन विकासशील देशों के पास प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय श्रम है और क्षमताएं हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। जब तक इनमें साम्य नहीं होगा, तब तक विश्व में एक बैलेंस डेवलपमेंट, जिसको हम कह सकते हैं संतुलित विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो ये हमने जो आज देखे, ये प्रासंगिकता है अंतर्राष्ट्रीयतावाद की। आभार।